हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जापान गए हैं? अगर गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्यों जापान को और देशों से अलग कहा जाता है। और अगर नहीं गए तो आज इस वीडियो में मैं आपको जापान की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ जापान में ही हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। नंबर 8, पुशिंग पीपल इन द सबवे। दोस्तों, जैपनीज रेलवे रश आवर्स के समय हद से ज्यादा क्राउड को झेलती है, जिसकी वजह से जैपनीज रेलवे ने कुछ ऐसे लोगों को रखा है जिन्हें ओशिया कहा जाता है। उनका काम लोगों को ट्रेन के अंदर ढकेलना होता है, जिससे कि ट्रेन के दरवाजे बंद हो सके और कोई दुर्घटना ना हो। दोस्तों, आप हमें बताएं कि क्या दिल्ली मेट्रो में इन वर्कर्स की जरूरत है या नहीं। नंबर 7, बेबी मॉप। बेबी मॉप्स यानी 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसे कपड़े जो बच्चों के चलने के समय जमीन की सफाई करें। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जापान में कुछ ऐसे भी कपड़े बनाए जाते हैं जिन्हें बच्चों को पहनाकर घर की सफाई किया जा सकता है। नंबर 6, आउटरेजियस किटकैट फ्लेवर। किटकैट हम सभी ने जरूर खाई होगी, लेकिन जापान में किसी को किटकैट देना गुड लक माना जाता है। और सिर्फ जापान में ही हर रोज 50 लाख से भी ज्यादा किटकैट बेची जाती है। जैपनीज लोग किटकैट को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि नेस्ले को जापान में किटकैट के कई अलग अलग फ्लेवर भी बनाने पड़े, जिसमें चिली पेपर और ग्रीन टी किटकैट भी है। और 300 से भी ज्यादा किटकैट की वैरायटी आपको जापान में देखने को मिल सकती है। नंबर 5, आप पीपल सुसाइड फॉरेस्ट। आप अगर लोगन पॉल को फॉलो करते होंगे तो इस फॉरेस्ट के बारे में आप जरूर अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वह लोग आज जान लें। दोस्तों, अगर हम लोग फॉरेस्ट जाते हैं तो यह तो रिलैक्सिंग के लिए जाते हैं और या फिर एडवेंचर के लिए, लेकिन जापान में एक ऐसा फॉरेस्ट भी है जहाँ लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। और इस फॉरेस्ट का ऑफिशियल नाम ओकीगारा फॉरेस्ट है, लेकिन यह फॉरेस्ट सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से ज्यादा मशहूर है, क्योंकि हर साल यहाँ 100 से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। नंबर 4, स्लीपिंग इन द ऑफिस। दोस्तों, अगर हमारे यहाँ कोई गलती से ऑफिस में सो जाए और बॉस उसे देख लें तो फिर तो उसकी खैर नहीं, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है, जापान एक अलग ही दुनिया है। अगर कोई वर्कर जापान में ऑफिस में सो जाता है और बॉस उस वर्कर को सोता हुआ देख ले तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि जापान में मानना है कि अगर कोई ऑफिस में सो रहा है तो मतलब कि वह बहुत ज्यादा काम करता है। और जापान में वर्कर्स इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। नंबर 3, वेंडिंग मशीन दैट कैन सेल एनीथिंग। यह तो हमको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन जापान में ही है, और जापान में बहुत सी ऐसी वेंडिंग मशीन है जो यूरोप और यूएसए की वेंडिंग मशीन से बिल्कुल अलग है। यहाँ अलग का मतलब है बिल्कुल अलग, क्योंकि आप इन मशीन से अंडरवियर तक खरीद सकते हैं, तो खाने पीने की चीजों को तो छोड़ ही दो। और इससे भी बड़ी बात, यह मशीन आपको जापान के हर कोने में मिल जाएगी, यहाँ तक कि मांग फूजे के टॉप पर भी। नंबर 2, नो मैनर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, हमारे यहाँ सिर्फ महिलाओं और ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए ही सीटें रिजर्व होती हैं, और हम या आप भी अगर किसी बूढ़े व्यक्ति और या महिलाओं को देखते हैं तो अपनी सीट उसे दे देते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान की ट्रेन या बसेस में कोई जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने की, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई नियम ही नहीं है। सिर्फ एक नियम है, पहले आओ पहले पाओ। नंबर 1, एपोप म्यूजियम। अब इसके बारे में क्या कहूँ। दोस्तों, जापान में एक ऐसा भी म्यूजियम है जहाँ आपको इंसानी पॉट्टी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह नहीं मालूम है कि यह रियल पॉट्टी है या फेक, जिन्हें सिर्फ सैंपल के लिए बनाया गया हो, लेकिन जो भी हो है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अगर आप जापान जाएं तो यहाँ जरूर जाइएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।